आलू पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो आलू लिए हैं। इसे अच्छे से धोकर कुकर में उबाल लेना है। तो कुकर का ढक्कन लगाकर इसे गैस पर चढ़ा देंगे हम। दो तीन तीन सीटी होने तक उसे उबाल लेंगे। तब तक हम आटा तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर 500 ग्राम आटा लिया है मैंने, आधा किलो। अब इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे और 1 चम्मच तेल डालेंगे। आप तेल की जगह घी भी डाल सकते हैं। फिर पानी डालकर हम डो तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हमें आटे का डो तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर आलू भी उबल चुके हैं, इन्हें मैंने कुकर से निकाल लिया है। तो अब इसे छील लेंगे हम और इसे हाथों से इस तरह से मैश कर लेंगे। यहाँ पर एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, बारीक कटा हुआ, थोड़े से कड़ी पत्ते, लहसुन की कलियाँ कटी हुई और जीरा और ये सरसों दाना। तो अब गैस पर एक कढ़ाई गर्म करने के लिए रखेंगे। उसमें 2 चम्मच तेल डाला है। फिर उसमें 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच सरसों दाना डालेंगे और लहसुन की कलियाँ डाल देना है। फिर इसमें कड़ी पत्ता भी डाल देंगे और साथ में प्याज भी डाल देंगे। प्याज को हमें फ्राई कर लेना है। फिर यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के टमाटर इस तरह बारीक काट के लिए हैं मैंने। प्याज फ्राई हो जाए फिर हम उसमें टमाटर डाल देंगे। यहाँ पर टमाटर डाल दिया मैंने। टमाटर को हमें सॉफ्ट होने तक भून लेना है। फिर इसमें मसाले ऐड कर देंगे हम। तो यहाँ पर धनिया पाउडर 1 चम्मच डालें, नमक स्वाद अनुसार, हल्दी पाउडर 1/2 छोटी चम्मच और मिर्ची पाउडर 1 चम्मच और थोड़ा सा गरम मसाला। अब इन सबको अच्छे से मिला लेंगे हम और 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने देंगे। तीन मिनट हो चुके हैं, अब देख सकते हैं मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अब हम इसमें मैश किए हुए आलू डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल देना है। अब इसे मिक्स कर लेते हैं हम अच्छे से। आलू को इस तरह चम्मच से मैश भी करते जाना है और जो आलू ऐसे रह जाते हैं थोड़े से। तो इस तरह से आलू तैयार है हमारा आलू पराठे के लिए, आलू की चटनी। तो आटे को थोड़ा सा और मसल लेंगे इस तरह हम हाथों से। फिर इसकी लोई बना लेंगे हम छोटी छोटी, जिस तरह रोटी के लिए हम लोई बनाते हैं उस तरह से इस तरह हाथों से गोल गोल लोई बना लेंगे। ये बना लिए मैंने पूरे और थोड़ा सा आटा ले लिया है रोटी बेलने के लिए। तो अब एक आटे की लोई लेंगे, उसे इस तरह बेलेंगे हम पहले रोटी के आकार का। इस तरह से बेल लें। फिर इसमें हम आलू की चटनी डालेंगे थोड़ी सी। यहाँ पर 1 चम्मच भर के मैंने आलू की चटनी डाल दी है। अब इसे इस तरह हम फोल्ड कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा आटा लगाकर इसे बेल लेंगे। अगर आप पराठे इस तरह से बनाएंगे तो यकीन मानिए पराठे बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो ये पराठा, एक पराठा बेल लिया हमने। अब गैस पर तवा गर्म करने के लिए रख दिया था, उसमें थोड़ा सा घी डालेंगे और ये पराठा उसमें सिकने के लिए डाल देंगे और ऊपर से थोड़ा सा और घी डाल देंगे राइट साइड में उसके। पराठा जब नीचे से सिक जाए तो हम इसे पलट लेंगे और ऊपर से घी लगा देंगे थोड़ा सा। आप देख सकते हैं पराठे कितने अच्छे बन रहे हैं। ऊपर से इसमें भी थोड़ा सा घी लगा देंगे पलट कर। तो आप इस तरह से पराठा बहुत ही आसानी से बना सकते हैं।
अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो ये बहुत ही नरम और सॉफ्ट पराठे बनेंगे। तो हम दूसरा पराठा भी तैयार कर लेते हैं उसी तरह से। थोड़ा सा आटा लगा लेंगे और इसे भी बेल लेंगे हम। तो ये पहला पराठा हमारा सिक चुका है, उसे मैंने निकाल लिया। ये दूसरा पराठा हमने तवे पर डाला, उसे भी सिकने दिया थोड़ा सा और फिर उसे पलट लिया। फिर इस तरह से घी लगा लेंगे और इस तरह पलट पलट कर हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है पराठे को। हाई फ्लेम पर नहीं सेकना है वरना ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो ये मुँह में जाते ही घुल जाने वाले आलू के पराठे तैयार हैं।